मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू डी एक्स। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, मतलब अब क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन में, मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन में डिवीजन अलाउड नहीं होती है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको साइड पे पहले डिवाइड करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू को हम एक्स प्लस टू से डिवाइड करेंगे, एक्स प्लस टू वनजा ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये माइनस होगा एंड देन ये और ये कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा थ्री एक्स प्लस टू, फिर प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा थ्री एक्स प्लस सिक्स, दिस एंड दिस कैंसिल एंड दिस इज माइनस फोर। फिर हमने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो यहां पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू को हम इस तरह से लिख सकते हैं डिवाइजर एक्स प्लस टू इंटू कोशेंट एक्स प्लस थ्री प्लस रिमाइंडर माइनस फोर। तो हमारा, हमने न्यूमरेटर को इस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो आई हमारा क्या बन जाएगा, दिस आई विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू की जगह लिखेंगे एक्स प्लस टू, सॉरी दिस इज एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, तो दिस इज एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस फोर होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू डी एक्स। x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस फोर इंटू अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स, दिस एक्स प्लस टू गेट कैंसिल एंड ये मैंने गलत लिख दिया, जस्ट ए सेकेंड, ये सिर्फ माइनस फोर आएगा यहाँ पे, दिस इज माइनस फोर और ये आ जाएगा फोर अपॉन एक्स माइनस टू। अब आई हमारे पास क्या बन जाएगा, सिर्फ एक्स प्लस थ्री माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स, इंटीग्रेशन करने पे एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस थ्री एक्स माइनस फोर लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी, दिस इज द आंसर फॉर अस। तो हमारा स्टेप वन है यहां पे डिवाइड करना, दिस इज अवर स्टेप वन। स्टेप टू है कि हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करें डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर एंड देन उसके बाद हम फाइनली इंटीग्रेशन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। एक और करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, फिर आपको दोनों के लिए मैं टाइम दूंगा नोट करने के लिए। तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव होल डिवाइडेड बाय तो हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव को 3x प्लस टू से डिवाइड करेंगे, तो 3x तो आ जाएगा आपके पास 1 बाई थ्री एक्स प्लस 2 बाई थ्री एक्स माइनस माइनस करेंगे दिस एंड दिस गॉन और ये हमारे पास क्या आ जाएगा
ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 एक्स प्लस 5। फिर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको 1/3x बनाने के लिए प्लस 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/3x बन जाएगा। तो दिस बिकम्स 1/3x प्लस 2/9, माइनस करेंगे दिस एंड दिस कौन, ये आपके पास आ जाएगा 45 माइनस 2 43/9। अगेन हम लोगों को पता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 5 बन जाएगा। बच्चे आपके पास डिवाइजर है 3x प्लस 2, कोशेंट है आपके पास 1/3x प्लस 1/9 और रिमाइंडर है आपके पास प्लस 43/9। तो हमारा आई कैसे चेंज हो जाएगा, नो आई विल बिकम लाइक दिस 3x प्लस 2 इंटू 1/3x प्लस 1/9 प्लस 43/9 होल डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2। फिर हम लोग इसको सेपरेट करेंगे जैसे हमने पहले वाले पार्ट में किया, दिस इज 3x प्लस 2 इंटू 1/3x प्लस 1/9 होल डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 प्लस 43/9 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2। दिस 3x प्लस 2 एंड दिस 3x प्लस 2 इज कैंसल्ड, आई हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x प्लस 1/9 प्लस 43/9 इंटू 1/3x प्लस 2। अब सभी लोग ध्यान से देखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/3x^2 प्लस 1/9x प्लस 43/9 log 3x प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सॉरी इंटू नहीं अपॉन में आएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी कुछ भी अलग होगा तो ये हमेशा नीचे की तरफ आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2 1/6x^2 प्लस 1/9x प्लस 43/9 log ऑफ 3x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस c। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस। ये दोनों पार्ट्स आप एक बार ध्यान से देख लें, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। सो सब्स्टिट्यूशन इज अनदर टाइप जो हम लोग करके चलेंगे और इसको हम लोग बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन हमारे पास है और टाइप थ्री की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इस तरह से रहेगा। नाउ इफ यू टेक दिस, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ध्यान देना है कि जो भी एक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हमें मिल पाएगा आगे। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है जैसे ये हमारे पास दिया गया, तो हम लोगों को यहां पे सब्स्टिट्यूशन में देखना होता है कि हम किसकी डेरिवेटिव ले तो हमें दूसरा मिलेगा। तो यहां पे इफ यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन एक्स तो आपको कॉस एक्स मिल जाएगा। तो हम यहां पे ऐसे लिखते हैं, पुट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, खुद से इसका इसको हम कुछ दे रहे हैं। देन
डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स। वन का डेरिवेटिव जीरो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, एंड देन कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। नाउ यहाँ पे एक छोटी सी चीज है जो बहुत ध्यान देने वाली है, ये जो न्यूमिरेटर है कॉस एक्स इज टू डी एक्स, इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है उसको तो हमने ऑलरेडी टी लिया हुआ है, ये डी टी बाई टी हो जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी लॉग ऑफ टी प्लस सी, और लॉग ऑफ टी का मतलब क्या है, जो टी है वो है हमारे पास वन प्लस साइन एक्स। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, एक और लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास बोलता है आई इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स, तो आपको ना देखना है कि किसकी डेरिवेटिव हम लें तो हमें दूसरा फंक्शन मिल जाएगा। तो वन अपॉन लॉग एक्स इज इक्वल्स टू टी, सॉरी वन अपॉन लॉग एक्स नहीं, सॉरी हम लोग सिर्फ लॉग एक्स को टी पुट करेंगे। पुट लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टी, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, लॉग ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, एंड अब हमारे पास अगेन मैंने लॉग ऑफ एक्स गलत कर दिया, ये दोबारा से इसको मुझे डेरिवेटिव लेना है, आई एम सो सॉरी। यस, ये क्या बनेगा, वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, एंड देन ये बन जाएगा वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब आप देखें दोबारा से यहां पे ये जो वन अपॉन एक्स डी एक्स है, यानी ये पार्ट, ये हमारे पास डी टी आया, राइट। तो यहां पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू अगेन डी टी अपॉन टी, दैट बिकम्स लॉग ऑफ टी प्लस सी, एंड आई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। चलिए हमारे पास एक और है कॉट एक्स अपॉन लॉग ऑफ साइन एक्स, तो आप इसको देखें अगेन लॉग ऑफ साइन एक्स को हम, यानी डिनोमिनेटर को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, लॉग ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, वन अपॉन साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा आपके पास कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। दिस इंप्लाइज दैट टेन एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, एंड वी हैव गॉट टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। नाउ जैसा मैं आपको बोलता हूं कि अगेन सॉरी टेन एक्स नहीं आएगा, दिस इज कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, कॉस ऑफ ऑन साइन होता है कॉट ऑफ एक्स, तो ये कॉट ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी।
एंड हमारे पास हम लोगों ने बात किया कि cot ऑफ x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज लाइक अब हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन में हमारे पास आ जाएगा dt अपॉन log ऑफ sin x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ sin x की जगह हम लोग लिखेंगे t, क्योंकि हमने इस पूरे को और ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ t प्लस c, और फिर log की वैल्यू को आप t की वैल्यू को आप लगा सकते हैं log ऑफ sin x प्लस c। एक और क्वेश्चन है, जैसे आई इज इक्वल्स टू हमारे पास है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन सिक्स कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स, तो अभी क्या है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, लेकिन हमारे पास ऊपर थ्री साइन एक्स है और नीचे फोर कॉस एक्स है, तो हम इसमें अगेन पुट डिनोमिनेटर सिक्स कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी डी बाई डी एक्स ऑफ सिक्स कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस सिक्स साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अगर मैं इधर से 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x इज इक्वल्स टू dt बाई dx, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 cos x माइनस 3 sin x dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 2। तो ये हमारे पास dt अपॉन 2 आ गया। अगेन आप देखें तो हमारे को न्यूमिरेटर की वैल्यू मिल गई 3 cos x माइनस 3 sin x dx इज इक्वल्स टू dt बाय 2, तो हमारा i क्या बन जाएगा, दिस i विल बिकम dt अपॉन 2 t, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 dt बाय t, और ये आपके पास बच्चे बन जाएगा i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 log of t plus c, and बस फिर हम इसको लगाएंगे 1 upon 2 log of 2 cos x minus 3 sin x plus c। सॉरी, ये है मेरे पास It was actually 6 cos x plus 4 sin x. I'm so sorry. चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे। अब हमारे पास क्या है, जैसे हम लोग यहां पे लिखेंगे पुट log ऑफ sec x प्लस tan x
is equals to t d by dx of log of sec x plus tan x is equals to dt by dx. This is 1 upon sec x plus tan x. Into d by dx of sec x की आएगी sec x tan x plus sec square x. Upon sec x plus tan x equals to dt by dx. और अगर हम लोग sec x कॉमन ले लें ऊपर से तो यह आ जाएगा tan x plus sec x upon sec x plus tan x. This is gone. यह आएगा sec x dx इज इक्वल्स टू डी टी और i बन जाएगा हमारे पास dt अपॉन t. फिर से तो i की वैल्यू हमें मिल जाएगी log ऑफ t प्लस c एंड i विल बिकम log of sec x plus tan x plus c. So this is the answer for us. तो आप देखें कि हम लोगों ने क्या किया है. In case किसी को कुछ समझ नहीं आया कोई भी point तो मुझसे पूछ सकता है. So we have done two types today. Just go through it today. Solve these questions. एक बार copy पर जरूर repeat करिएगा. And इसके आगे हम लोग next time चलेंगे. So आज इतने रखते हैं. कल मिलेंगे. And इस session को आगे लेके चलेंगे. Bye for now. God bless you all. Take care of yourself. And जय हिंद.